हेलो फ्रेंड्स, एसके की एग्जाम स्टडी में आपका वेलकम है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आज इंपॉर्टेंट वीडियो भी है और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। आप हमारे चैनल से जुड़कर किसी भी एग्जाम की, चाहे इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, आप उसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये भी जो वीडियो है वो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक क्या है, भारत की जनगणना। 2011 की जनगणना के बारे में जानेंगे और उससे पहले के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी, जनगणना से संबंधित उनको भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट है वो क्या है, भारत की पहली जनगणना। भारत की जो पहली जनगणना है वो 1872 में करवाई गई थी, लॉर्ड मेयो के समय में। लॉर्ड मेयो के समय में दूसरी जनगणना की शुरुआत हुई थी। नियमित जनगणना है जो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना की शुरुआत हो गई थी। अभी देखते हैं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, यानी कि भारत आजाद होने के बाद, भारत आजाद होने के बाद, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, तो उसके बाद जनगणना हुई थी 1951 में। 1951 में प्रथम जनगणना हुई थी। जो हमारी जनगणना है उसकी अवधि कितनी होती है, कितने सालों के बाद क्या है ये जनगणना करवाई जाती है दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिल्कुल पूरी वीडियो देखना। जनगणना की जो अवधि होती है फ्रेंड्स वो 10 वर्ष की होती है। 10 साल के बाद क्या है, जनगणना करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना देश की कौन सी जनगणना है। देखो दोस्तों, जनगणना की शुरुआत आजादी से पहले भी जनगणना करवाई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, और आजादी के बाद भी जनगणना होती है, तो 15वीं जनगणना है, ठीक है। अगर देश की जनगणना मानी जाए तो 15वीं है, और स्वतंत्र भारत की जनगणना मानी जाए तो कौन सी है, 7वीं। स्वतंत्र भारत की जनगणना तो 7वीं है, और पूरे टोटल अगर गिने तो 15वीं जनगणना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था दोस्तों, जब भी जनगणना होती है तो जो जनगणना करने वाला विभाग होता है वो एक नारा निकालता है, एक स्लोगन निकालता है। तो 2011 की जनगणना का नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, जो कि ये बात सत्य भी है। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को, याद रखना। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगे बढ़ते हैं। 8th, कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़, 121 करोड़ के आसपास, 121.08 करोड़ है, जो कि बहुत ज्यादा जनसंख्या है। चीन के बाद दूसरे नंबर पर हमारा देश आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत विश्व जनसंख्या का भाग, जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है फ्रेंड्स, वो 17.17.5% है, ठीक है। विश्व की जो जनसंख्या है उसका 17.5% हिस्सा भारतीय जनसंख्या का है। नेक्स्ट है, पुरुष जनसंख्या, यानी कि जो मेल्स की जनसंख्या है वो क्या है, 62.32 करोड़, और जो महिलाओं की जनसंख्या है वो क्या है, 58.75 करोड़, ठीक है। तो इतनी जनसंख्या है दोस्तों, जनसंख्या में भारत दूसरे नंबर पर है। कुल साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर भारत में जनसंख्या में ये भी काउंट होता है, साक्षरता लिटरेसी रेट कितना है, 73%, 73% लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, ओके। ये याद रखना आपने, जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी का हो, सीजीएल का हो, रेलवे का हो, ऐसे कोई भी एग्जाम हो, टेट का हो, कोई भी हो, ठीक है। लिंगानुपात, 2012 की जनसंख्या के अनुसार लिंगानुपात कितना था, 943 लड़कियां हैं 1,000 लड़कों पर, और सबसे अधिक लिंगानुपात कौन सा है दोस्तों, केरल का, केरल का, केरल साक्षरता में भी आगे है, और वहां पर जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, वो भी बहुत हाई है। तो 1,084 लड़कियां हैं 1,000 लड़कों पर,
जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट है कम लिंगानुपात वाला राज्य, देश के अंदर सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? हरियाणा है। 879, 879 क्या है, लड़कियां हैं 1,000 लड़कों पर। लेकिन धीरे धीरे क्या है, ये जो लेवल है वो सुधर रहा है, ठीक है। अब हरियाणा की जो प्रोग्रेस है वो काफी अच्छी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश। 19,98,00,000 क्या इसकी जनसंख्या है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट है कम जनसंख्या वाला राज्य, भारत का कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम जहां की जनसंख्या क्या है, 6.10 लाख, ठीक है, यानी कि 6,10,000 क्या है वहां की टोटल जनसंख्या है। और आजादी के बाद वहां पर क्या है, एक खास बात और बता देता हूं, वहां पर एक भी चोरी नहीं हुई है। नेक्स्ट है 17, एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी। देखो भारत ऐसा देश है जहां पर जनसंख्या विस्फोट होता रहता है, लेकिन एक राज्य ऐसा भी है जहां पर क्या है, जनसंख्या घटी है, वो कौन सा राज्य है? नागालैंड। नेक्स्ट देख लेते हैं 18, अधिक जनसंख्या वाला जिला, अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मुंबई का है दोस्तों, मुंबई का है ठाणे, ठीक है, याद रखना, बहुत बार पूछा जा चुका है इस प्रकार के क्वेश्चन। और सबसे अधिक जिलों वाला जो राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। 75 जिले हैं दोस्तों, कितने जिले हैं? 75 जिले। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, यहाँ पर सब्सक्राइब की स्पेलिंग गलत है लेकिन फिर भी क्या आपको सब्सक्राइब करना है। माई